एप्पल ला रहा है सबसे सस्ता 5G आईफोन, डिजाइन देखकर हो जाएंगे दीवाने, नए खुलासे से फैंस हैरान। एप्पल इस साल आईफोन 15 सीरीज लॉन्च करेगा, लेकिन इसके तुरंत बाद 2024 की शुरुआत में आईफोन SE का नया मॉडल पेश किया जाएगा। कंपनी हर दो साल में अपना कम कीमत वाला आईफोन लॉन्च करती है, इसकी कीमत आईफोन 15 से काफ़ी कम होगी। लॉन्च होने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन लीक्स और अफवाहें अभी से सामने आ रही हैं। अब एक नई बात सामने आई है, एप्पल अपने आगामी चौथी पीढ़ी के आईफोन SE स्मार्टफोन मॉडल में चीनी डिस्प्ले आपूर्तिकर्ता BOI के QLED पैनल का उपयोग करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि की गई है। मैक रूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन की समस्याओं के कारण BOE ने इस साल की आईफोन 15 श्रृंखला के लिए लक्षित OLED पैनलों की शुरुआत संख्या को वापस ले लिया है, जिसमें सैमसंग और LG ने अधिकांश ऑर्डर का दावा किया। अब वह बजट के अनुकूल आईफोन SE 4 के लिए OLED पैनल बनाने पर फोकस कर इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रही है। अगले साल के आईफोन SE 4 में करीब 2 करोड़ OLED स्क्रीन के इस्तेमाल की उम्मीद है। पिछले महीने विश्लेषक मिंग ची कुओ ने कहा कि टेक दिग्गज ने आईफोन SE 4 स्मार्टफोन का विकास फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले और इन हाउस 5G बेस बैंड चिप होगा। कुओ ने यह भी उल्लेख किया था कि आईफोन SE 4 का बड़े पैमाने पर उत्पादन अगले साल की पहली छमाही में सुचारू रूप से होगा। वैसे गाइज, आपकी क्या राय इस न्यू सीरीज के आईफोन को लेकर, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, सो प्लीज गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।